नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Narzo 50 वर्सेस Xiaomi Redmi 10A Sport का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Narzo 50 में 6.46 इंच जबकि Redmi 10A Sport में 6.49 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Narzo 50 में 2.97 इंच जबकि Redmi 10A Sport में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Narzo 50 में 0.33 इंच जबकि Redmi 10A Sport में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Narzo 50 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो वेट दोनों फोन का सेम ही 194 ग्राम्स वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Narzo 50 में 6.6 इंचेस जबकि Redmi 10A Sport में 6.53 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Narzo 50 में 1080x2412 और Redmi 10A Sport में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Narzo 50 में 84.88% जबकि Redmi 10A Sport में 81.08% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Narzo 50 में 400 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Redmi 10A Sport में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Narzo 50 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi 10A Sport की बात करें तो इसमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Narzo 50 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi 10A Sport की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Narzo 50 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Redmi 10A Sport में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Narzo 50 में Mali-G57MC2 जबकि Redmi 10A Sport में Powerwa-GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Narzo 50 में MediaTek Helio-G96 और Redmi 10A Sport में MediaTek Helio-G25 मिलता है। बात करें RAM की तो Narzo 50 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Redmi 10A Sport में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Narzo 50 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Redmi 10A Sport में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Narzo 50 में अप टू 256GB जबकि Redmi 10A Sport में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Narzo 50 में 2 कलर्स जबकि Redmi 10A Sport में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो नाजो 50 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस में मिलता है। और बात करें Redmi 10A Sport की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme Nazo 50 में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi 10A Sport की तो उसमें 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Nazo 50 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Nazo 50 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Nokia G21 है, दूसरा iQOO Z6 5G है, तीसरा Samsung Galaxy F23 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A76 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।